छोटे किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, क्योंकि आने वाला है एक ऐसा अनोखा ट्रैक्टर जो बैटरी से चलेगा। जी हाँ, अगर अब तक आप भी यही सोचते थे कि किसानों की खेती के मद्देनजर सबसे जरूरी चीज ट्रैक्टर है जो कि काफी महंगा होता है, तो अब एक ऐसा ट्रैक्टर आने वाला है जो बहुत ही कम कीमत में किसानों की सभी जरूरतों को पूरी कर देगा। अब वही ट्रैक्टर घरेलू बाजार में सबसे सस्ता भी होगा और इसकी कीमत 1 लाख रुपए से थोड़ी अधिक होगी। साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के तहत आने वाले काउंसिल ऑफ साइंस इंडस्ट्री और रिसर्च छोटे किसानों के लिए कम पावर वाले इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर का विकास कर रहा है। CSIR पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर कारखाने में अब इस ट्रैक्टर का टेस्ट करने जा रही है और इसके बाद ट्रैक्टर को बाजार में उपलब्ध कराएगी। इस बाबत CSIR CMEIR के डायरेक्टर हरीश हिरानी का ये कहना है, ट्रैक्टर में लिथियम बैटरी लगी होगी, इसे एक बार पूरी तरह चार्ज करने पर ट्रैक्टर 1 घंटा चलेगा। जब ट्रैक्टर की लागत और उससे जुड़े खर्चों के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि इसको बनाने में लगभग 1 लाख का खर्च आएगा, इसलिए बाजार में इसकी कीमत 1 लाख रुपए से थोड़ी सी अधिक होगी। खेतों में सोलर चार्जिंग स्टेशन से ही इस ट्रैक्टर को चार्ज किया जा सकता है। इस ट्रैक्टर के आने से किसानों के द्वारा खेती में लगने वाली लागत में भी कमी आएगी। हरीश हिरानी ने ये भी बताया कि हम 10 एचपी के बैटरी से चलने वाले छोटे ट्रैक्टर बनाने पर काम कर रहे हैं। हम बेहद कम वजन के प्रोडक्ट बनाने पर काम कर रहे हैं, जो खास करके उन किसानों के लिए फायदेमंद होगा जिनके पास छोटे खेत हैं। CSIR CMEIR इससे पहले स्वराज और सोनालिका जैसे ट्रैक्टर विकसित कर चुकी है। इससे पहले संस्था ने छोटे किसानों के लिए 10 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर कृषि शक्ति बनाया है, जिसमें डीजल इंजन है। अब इसी तर्ज पर बैटरी से चलने वाले ट्रैक्टर को बाजार में लाने की योजना है। यह ट्रैक्टर छोटे और बड़े दोनों ही तरह के किसानों के लिए खुशियों भरा सौगात होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।